तो आज हम बात करने वाले हैं जिनके पेट में गैस बना रहता है, उनका जो पाचन है खराब रहता है, उनका सुबह पोटी नहीं होती है, बहुत सारे जोर लगाना पड़ता है और पाद बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी अपने उस प्रॉब्लम को आसानी से घर पर ठीक कर सकें, जो कि इसमें कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपको सही तरीके से उसको करने की ज़रूरत है। जिस तरह से मैं करती हूँ आप लोग उसी से उसको फॉलो करें और अपनी प्रॉब्लम को आसानी से घर पे उसको ठीक करें। गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि हमारे से कोई भी नई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों के पास इसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आइए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें जैसे उत्कासन इस तरह से बैठ जाना है। देखिए, ये जो हमारा दोनों पैर है ना, ये हमने देख लीजिए आप लोग आराम से, जैसे कि दोनों मेरा पैर है, इसको मैं जो उंगलियां होती हैं पैर के, वो उंगली के सहारे से इस तरह से मैं अपने पैर को खड़ा कर दी हूँ। फिर इस तरह से मैं अपने पैर के सहारे से यहाँ पे इसे बैठी हूँ। अब इस तरह से दोनों जो हाथ हैं आप इसको पीछे इस तरह से लटका दीजिए, ठीक है? पीछे अपने हाथ के सहारे से थोड़ा सा लटक जाइए। अब इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आप करते रहें। कम से कम एक बार में आपको इस तरह से 25 बार करना है। 25 बार इस तरह से करेंगे तो जो हमारा पेट का जो लेबल है ना, जो पेट में जो गंदगी जमी रहती है, जो हमारे पेट में जो चर्बी जमी रहती है, पेट का जो खाना हजम नहीं होता है, जो नली के द्वारा साफ़ नहीं होता है, जो हमारे बाथरूम नहीं लगता है, ये सारी जो प्रॉब्लम है एक बार में ये ठीक हो जाएगा। आप एक बार कंटिन्यू 25 बार करके देखिए, आपको पहली बार में ही आपको इसका असर मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि बस आप एक बार करिए, दिन में कम से कम 3 बार 2 बार ज़रूर करें, सुबह करें, फिर रात में सोने से पहले करें। कमर है चाहे पूरा गर्दन से लेकर नीचे जो रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ तक, अगर आपका पीठ में दर्द होता है, चाहे आपका पेट में आने में दर्द होता है, पेट की चर्बी निकली है, आपको पेट से जुड़ी परेशानी होती है, आपके जांग में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, आपके जो पैर के पिंडलियाँ होती हैं यहाँ पे दर्द होता है, ठीक है, ये जो आपके हिप्स होते हैं अगर यहाँ पे दर्द होता है, इस सारी परेशानी को दूर करने के लिए ये जो एक्सरसाइज हम आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही जल्दी इसका असर करता है। लेकिन आपको सही तरीके से अगर करेंगे कंटिन्यू, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर कैसे कर रही हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि हमने अपने दोनों पैर को यहाँ पे एकदम सटा लिया है, अब आप भी देख रहे हैं कि थोड़ा भी फाक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एकदम से सटा लिया है। और ये जो दीवार है पीछे, एकदम पर्दे के पीछे देखिए कि दीवार है, देख सकते हैं दीवार है। तो इसी तरीके से मैं दीवार के सहारे एकदम टाइट होके खड़ी हूँ, मेरा जो पीठ है एकदम दीवार के सहारे है, मैं अपने सहारे बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसी तरीके से आपको इस दीवार के सहारे से बैठ जाना है। ऐसे क्या है ना, इस दीवार के सहारे से बैठने के बाद ये जो पैर है, देखिए मेरे पैर में बिल्कुल भी फाक नहीं, ये जो जांग है इस जांग में, और यहाँ जो पैर है इसमें, और ये जो नीचे का पैर है इसमें बिल्कुल भी फाक नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है गाइस, कि ऐसे आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ती है, पेट से जुड़ी बीमारी जैसे पेट में दर्द हो, कीड़े हों, ये वाला एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे कि घर में छोटे बच्चे भी हैं तो भी आसानी से कर सकते हैं, घर में बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं तो वो लोग भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, करना क्या है कि अपने पैर को, अपने जो पैर का जो पंजा होता है उसको, और जो पैर का जो जांग वाला भाग है उसको एकदम आराम से दोनों एक में सटा के एकदम टाइट पोजिशन में पीछे दीवार के सहारे से बैठ जाना है। अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं या फिर कुछ घर की सब्जी उब्जी आपको तोड़ना है, काटना है, लहसुन प्याज मिर्चा छीलना काटना है, तो आप आराम से इस पोजीशन में बैठ के छील सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको जैसे कि इधर उधर इस तरह से मुड़ेगी हिलाना एकदम, कम से कम आप एक बार में जब शुरू शुरू में आप कर रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, आपको जितना हो सके उतना करें। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती 20 बार करें, 25 मिनट करें, 30 मिनट करें, नहीं गाइस, आपको जितना हो सके उतना समय तक करें। अगर आप ज़्यादा समय तक रह सकते हैं तो 1 घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट भी रह सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इससे फ़ायदा जो होगा ना, आपको गजब का फायदा होगा। देखिए मैं एक बात बता दूँ, जो लोग ज़्यादा मोटापा और चर्बी से परेशान है वो लोग तो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन उनको भी कोशिश करना पड़ेगा ऐसे बैठने के लिए। कोशिश करिए, धीरे धीरे अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे लेकिन बैठेंगे तो सही ना, बाद फिर आप नॉर्मल पोजिशन में आ जाएँ, फिर धीरे 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 आपको खड़ा हो जाना है। अपने पैर को धीरे धीरे इस तरह से फॉलो कर लें, फैला लें, ठीक है।
और फिर धीरे 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 दो बार इस तरह से उठ बैठ जाएं ताकि जो भी हमारा ब्लड रुका हुआ है अच्छे से पूरा नॉर्मल अपने पोजीशन में सब चले जाएं, ठीक है। फिर इस तरह से करने के बाद आराम से बैठ जाएं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर किसी एक अलग नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।